नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RBSC विद HSM में। राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट 2022 RPVT 2022 के लिए राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम RPVT 2022 के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा RPVT 2022 की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। लेटेस्ट न्यूज़ के अंतर्गत हमें नोटिफिकेशन फॉर RPVT 2022 का लिंक दिखाई देगा। दी गई लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। RPVT 2022 डिटेल्ड नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन बुकलेट ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन बुकलेट के संदर्भ में। नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। दी गई लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट 2022 RPVT 2022 फॉर एडमिशन टू बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री डिग्री कोर्सेस सेशन 2022 से 2023 इन कॉन्स्टिट्यूंट ए प्राइवेट वेटनरी कॉलेज एफिलिएटेड विथ राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस बीकानेर। Only candidates of Rajasthan state domicile are eligible for appearing in RPVT 2022 examination. तो स्पष्ट किया गया है, राजस्थान के जो मूल निवासी अभ्यर्थी हैं, योग्य अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। NRI candidates and NRI sponsored seats are open for candidates of other states as well as. तो यहाँ पर NRI candidates और NRI sponsored जो seats है उसके लिए भारत का कोई भी नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकता है। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो 11 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। अब बात करेंगे हम डिटेल्ड शेड्यूल के बारे में। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया विदाउट लेट फीस के साथ में 8/7/2022 से लेकर 31/7/2022 तक रहेगी। इसी के साथ में लेट फीस के साथ में 1/8/2022 से 10/8/2022 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। फीस की अगर हम बात करें तो यहां पर विदाउट लेट फीस के साथ में 3,000 रुपये और लेट फीस के साथ में 6,000 रुपये का भुगतान करना होगा। एडमिट कार्ड 29/8/2022 को जारी किए जाएंगे। एग्जाम सिटी की बात करें तो बीकानेर जयपुर एवं उदयपुर शहर रहेंगे। एग्जामिनेशन 11/9/2022 को रहेगा, प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक। इस तरह से फाइनल जो आंसर की एवं रिजल्ट के संदर्भ में यहां जानकारी हम आसानी से ले सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनके बारे में भी हम जानकारी यहाँ ले पाएंगे। अब बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के संदर्भ में। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। मिनिमम एज जो निर्धारित की गई है 31/12/2022 को 22 से पहले 17 इयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी मिनिमम जो एज है 17 वर्ष होनी चाहिए तो ही हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। Accordingly, the eligibility condition regarding minimum age is as under. तो यहाँ for candidates of general, unreserved, general, EWS, SC, ST, STA, OBC, non-criminal and non-MBC, non-criminal category. तो यहाँ दिया गया है must born on before 31/12/2005 से पहले का जो है जन्म होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बॉर्न ऑन और बिफोर 31/12/2005 तो ही हम इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब बात करेंगे हम मैक्सिमम एज के संदर्भ में। द मैक्सिमम परमिटेड अपर एज लिमिट फॉर अनरिजर्व्ड एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरीज,
कैंडिडेट्स फॉर अपेयरिंग इन आरपीयूटी 2022 इज 25 ईयर एज ऑन 31/12/2022 विथ यूनिफॉर्म रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज बाई 5 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द एससी एसटी एसटी एसटीए ओबीसी नॉन क्रिमिनल एमबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरीज ओनली After filling date of birth candidate is will be automatically generated as on 31/12/2022. तो मिनिमम एज यहाँ 17 वर्ष निर्धारित कर दी गई है सभी कैटेगरीज के लिए और यहाँ 31/12/2022 का जो डेट है निर्धारित किया गया है 17 वर्ष के लिए. अधिकतम एज की अगर हम बात करें तो 25 वर्ष निर्धारित की गई है और अन्य जो कैटेगरीज हैं जैसे एससी है एसटी है एसटी एसटी है ओबीसी है एमबीसी नॉन क्रिमिनल है ओबीसी नॉन क्रिमिनल इन्हें 5 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है यानी 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं और यहाँ 31/12/2022 का जो डेट निर्धारित की गई इस तारीख तक होनी चाहिए. द डेट ऑफ बर्थ इज रिकॉर्डेड इन द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट विल बी टेकन एज ऑथेंटिक फॉर दिस पर्पज. तो 10th क्लास की जो मार्कशीट रहेगी उसी के आधार पर आपकी एज की गणना यहाँ पर की जाएगी. अब बात करेंगे हम सेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में. टू बी एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन आरपीयूटी 2022 द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द क्वालिफाइंग सीनियर सेकेंडरी या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 स्कीम फ्रॉम ए स्टेचरी इंडियन बोर्ड या यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिश्ड अंडर एक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एंड एनी अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट अलोंग विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द कोर कंपल्सरी सब्जेक्ट. तो ये स्पष्ट किया गया है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के जो 12th क्लास पास आउट अभ्यर्थी है इसमें आवेदन कर सकते हैं. थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी. To be eligible for appearing in the RPUT examination, the unreserved and EWS category candidate must have obtained minimum 50% marks taken together in the subject of physics, chemistry, biology, biotechnology and English at a senior secondary 10+2 or equivalent regular qualifying examination for the candidate SCST or OBC, NCL, ABC, non-criminal categories के लिए यहाँ पर required किए गए हैं marks 47.5% यानी 5% की जो छूट यहाँ पर दी गई है. तो 50% मार्क्स एंड 45.5 मार्क्स जो है सीनियर सेकेंडरी के यहाँ पर रखे गए हैं केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत. यहाँ पर स्पष्ट किया गया है डोमिशियल अगर क्राइटेरिया की अगर हम बात करें द इंडियन नेशनल्स ऑफ राजस्थान डोमिशियल केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी एलिजिबल है आरपीयूटी 2022 के लिए और यह स्पष्ट किया गया है कैंडिडेट डोमिशियल ऑफ स्टेट अदर देन राजस्थान अपीयर इन क्वालिफाई इन आरपीटी 2022 इन एडवर्टेंटली विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन ऑन एनी टाइप ऑफ सीट इन द राजवास बीकानेर कॉन्स्टिट्यूट या एफिलेटेड प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस. तो इसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है जिसमें स्टेप टू अपलोड फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी और यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट जो फोटो है हमें अपलोड करनी होगी. फोटो की साइज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ 3.5 सेंटीमीटर × 4.5 सेंटीमीटर रहेगी और JPEG फॉर्मेट रहेगा. JPEG फोटो शुड बी ऑफ ए मिनिमम पिक्सल है 240 × 320 साइजेस एंड मैक्सिमम ऑफ 480 × 640 साइजेस यानी 0.3 मेगापिक्सल की होनी चाहिए एंड साइज ऑफ JPEG फाइल मस्ट बी बिटवीन 50 KB से लेकर 100 KB तक. फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम मोबाइल फोन विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड. तो यहाँ जो फोटो है वो बिल्कुल कैमरे से खींची हुई स्पष्ट फोटो होनी चाहिए.
स्टेप सेकंड के अंदर हमें क्या करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा। 7 सेंटीमीटर विड्थ होगी, 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी एंड वाइट पेपर यूजिंग ए ब्लैक बॉल पेन ओनली। तो जो काले रंग का जो पेन है उससे हमें हस्ताक्षर करना होगा और उसको स्कैन करना होगा और उसके पश्चात उसे अपलोड करना होगा। साइज़ के संदर्भ में बात करें तो यहाँ 280x80 एंड मैक्सिमम पिक्सल है 560x160। JPEG जो फॉर्मेट है यहाँ पर लिया जाएगा। 20 KB से लेकर 50 KB तक की हम जो फाइल अपलोड कर सकते हैं। यह एक प्रारूप दिया गया है किस प्रकार की फ़ोटो हमें खिंचवानी है। यहाँ पर नाम रहेगा और DOB रहेगी और इस तरह से हम जो फ़ोटो हैं बना सकेंगे, तो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। एडमिट कार्ड्स के संदर्भ में यह जानकारी दी गई है, तो जैसे ही एडमिट कार्ड जारी किया जाता है इसके बारे में भी इस चैनल के माध्यम से आपको सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। एग्जामिनेशन हॉल के बारे में जानकारी दी गई है, ड्रेस कोड के बारे में जानकारी दी गई है, एग्जामिनेशन के समय इसके बारे में भी आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। अब बात करेंगे हम एग्जामिनेशन पैटर्न के संदर्भ में। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पैटर्न ऑफ RPVT 2022 एग्जामिनेशन, द RPVT 2022 एग्जामिनेशन शेल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर कंटेनिंग 180 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस विथ सिंगल करेक्ट आंसर फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बॉटनी एंड जूलॉजी टू बी आंसर्ड ऑन द स्पेशली डिजाइंड मशीन ग्रेडेबल सीट यूजिंग ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन विच विल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट बाई राजूवास बीकानेर एट एग्जामिनेशन सेंटर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन विल बी एज ए अंडर। स्पष्ट किया गया है कि 180 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जिनमें एक क्वेश्चन सही होता है, एक जो ऑप्शन है वो सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पर गलत रहेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जिसमें बॉटनी और जूलॉजी से क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। आंसर सीट को भरने के लिए यहाँ पर जो ब्लैक बॉल पॉइंट है उसका इस्तेमाल करना होगा। फिजिक्स से 45 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी जिसमें बॉटनी एंड जूलॉजी है 90 यानी 45 बॉटनी से और 45 जूलॉजी से, टोटल 180 जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। सिलेबस फॉर द RPVT 2022 एग्जामिनेशन, तो 11वीं और 12वीं की जो सिलेबस जारी किया गया है राजस्थान बोर्ड का, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी या स्टेट बोर्ड CBCS CBSE बोर्ड तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं RBSE बोर्ड का, इसी के साथ में NCERT बोर्ड का जो प्रश्न पत्र है जो बुक है उसका अध्ययन किया जा सकता है। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पूछा जाएगा। मार्किंग रिस्पॉन्स यहाँ जानकारी दी गई है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ रहेगी। यहाँ पर एक प्रारूप दिया गया है कि किस प्रकार हम जो है ओमार सीट को फिल कर सकते हैं। रोंग मेथड है ये और ये करेक्ट मेथड यहाँ दिए गए हैं। इस तरह से हमें न तो सही का निशान करना है न क्रॉस का निशान करना है। इस तरह से यहाँ पर एक ही खाने में यहाँ पर जैसे दिया गया है तो ये गलत है और यहाँ पर ये सही ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। इस तरह से हम जो है ओमार सीट को फिल कर सकते हैं ब्लैक बॉल पेन से। स्कोरिंग एंड मार्किंग की अगर हम बात करें तो जो करेक्ट आंसर होगा उसके लिए 4 मार्क्स रहेंगे, और जो इनकरेक्ट होगा उसका जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी।
रब वर्ग के लिए जो स्थान है वो दिया जाएगा। मेरिट बेस पर यानी एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो नंबर आएंगे उसी के बेस पर यहाँ पर राज्य सरकार के जो आरक्षण नीति है उसके अनुसार यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और मेरिट बेस में जो उच्चतम स्थान प्राप्त करेंगे उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन यहाँ पर रहेगा। सीटों के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है, कितनी सीटें हैं, कॉलेज वाइज सीटों की संख्या यहाँ दी गई है, तो इसका भी हम यहाँ अवलोकन कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। एनआरआई सीट कितनी है इसके बारे में जानकारी हम यहाँ ले सकते हैं। रिजर्वेशन क्राइटेरिया, तो शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 16% है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 12% है, NACL 21%, मोर बैकवर्ड क्लास एंड 5%, अब हम बात करेंगे यहाँ पर फीस के बारे में। कॉलेज वाइज जो फीस है वो स्ट्रक्चर यहाँ दी गई है। यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट वेटनरी साइंसेस जिसमें रेगुलर एंड स्टेट एंड बीसीआई कोटा सीट है, तो फर्स्ट टू थर्ड प्रोफेशनल्स जनरल बॉयज़ के लिए 17,340 पर ईयर का, फोर्थ प्रोफेशनल के लिए यहाँ 34,680 रुपये इन टू इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट टू थर्ड प्रोफेशनल्स ऑल अदर कैटेगरी बॉयज़ एंड गर्ल्स 6,340 पर ईयर एंड फोर्थ प्रोफेशनल में 12,680 इन टू इंस्टॉलमेंट पर ईयर के अनुसार। पेमेंट सीट्स की यहाँ रहेगी फर्स्ट टू थर्ड प्रोफेशनल्स में 3,00,000 पर ईयर प्लस रेगुलर फीस एज पर एप्लीकेबल कैटेगरी, 6,00,000 प्लस रेगुलर फीस एज पर एप्लीकेबल कैटेगरी इन टू इंस्टॉलमेंट। यहाँ फोर्थ प्रोफेशनल है इसके बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। इसी तरह से हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड प्राइवेट वेटनरी कॉलेज के बारे में, तो अरावली वेटनरी कॉलेज सीकर है। ट्यूशन फीस यहाँ दी गई है 5,50,000 रुपये पर ईयर का, क्वेश्चन मनी दी गई है 50,000 रुपये वन टाइम इन फर्स्ट ईयर ओनली एंड रिफंडेबल, को हॉस्टल फीस पर ईयर है 17,000 रुपये नॉन एसी रूम डबल सीटेड, 1,10,000 रुपये एसी रूम डबल सीटेड। इसी तरह से महात्मा ज्योतिबा फूले कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज चोमू जयपुर है, ट्यूशन फीस है यहाँ पर 50,50,000 रुपये पर ईयर का, क्वेश्चन मनी है 50,000 रुपये वन टाइम इन फर्स्ट ईयर ओनली एंड रिफंडेबल, हॉस्टल फीस है पर ईयर का 75,000 पर ईयर नॉन एसी रूम के लिए इंक्लूडिंग मैस चार्जेस एंड 1,10,000 रुपये यहाँ पर रखे गए पर ईयर एसी रूम इंक्लूडिंग मैस चार्जेस। अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन जयपुर के लिए यहाँ ट्यूशन फीस रखी गई है 5,50,000 रुपये पर ईयर का। MBA वेटनरी कॉलेज डूंगरपुर के लिए ट्यूशन फीस है 5,50,000 रुपये पर ईयर एंड क्वेश्चन मनी यहाँ पर नहीं ली जाएगी। एडमिशन फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन 5,000 रुपये। RR कॉलेज ऑफ वेटनरी की अगर हम बात करें तो यह एनिमल साइंस देवली टोंक में ही है, देवली टोंक में है, तो यहाँ फीस रखी गई है 5,50,000 रुपये पर ईयर का। महात्मा गांधी वेटनरी कॉलेज भरतपुर है, ट्यूशन फीस है 5,50,000 रुपये पर ईयर, क्वेश्चन मनी है 50,000 रुपये रिफंडेबल। सौरभ कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड साइंस खेड़ा हिंडोन सिटी करौली, तो इसकी फीस रखी गई यहाँ पर 5,50,000 रुपये पर ईयर का। तो इस तरह से फीस रखी गई है। फीस स्ट्रक्चर फॉर NRI एंड NRI स्पॉन्सर्ड जो सीट्स हैं तो यहाँ पर डॉलर्स में रखी गई है, इसका अवलोकन हम यहाँ कर सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जिनकी हमें आवश्यकता होगी काउंसलिंग के समय इनकी सूची यहाँ पर दी गई है, तो इसका भी हम यहाँ अवलोकन कर सकते हैं। चेंज इन रूल्स के बारे में जानकारी दी गई है। अब हम बात करेंगे
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के संदर्भ में। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। लास्ट डेट के संदर्भ में यह जानकारी दी गई है 10/8/2022 एंड इन्फॉर्मेशन बुकलेट दिया गया है। कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, कॉन्टैक्ट टाइम 10 से 5 तक, मोबाइल फ़ोन नंबर दिए गए हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। ईमेल एड्रेस पर भी हम अपना जो कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यूज़ ओनली मोजिला फायरफॉक्स, डू नॉट यूज़ क्रोम ब्राउज़र। तो इंटरनेट जो ब्राउज़र है उसका इस्तेमाल आप करें रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान जो है सामना अगर हम कर रहे हैं तो हमें इंटरनेट जो ब्राउज़र है उसका इस्तेमाल यहाँ पर करना होगा। इस तरह से हमने इंटरनेट जो ब्राउज़र है वो हमने ओपन कर लिया है और इसी के साथ में यूज़ ओनली मोज़िला फायरफॉक्स, डू नॉट यूज़ क्रोम ब्राउज़र। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर RPVT 2022 से 2023। तो आप इंटरनेट जो ब्राउज़र है इसका इस्तेमाल करें रजिस्ट्रेशन के लिए और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का। एग्जामिनेशन डिग्री हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट है। कैंडिडेट्स नेम फिल करेंगे, फादर्स नेम, कैंडिडेट ऑन मोबाइल नंबर एंड कैटेगरी। कैटेगरी को हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ से आप सेलेक्ट करें। इसके पश्चात ड्यू भी सेलेक्ट करें, जिसमें सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करें, इसके पश्चात मंथ और इसके पश्चात डे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। एज, ईमेल आईडी एंड आधार कार्ड नंबर, राजस्थान के मूल निवासी होने की स्थिति में यस को क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो को क्लिक करें। पेमेंट डिटेल यहाँ पर दी गई है, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से हम पेमेंट डिटेल जो है पेमेंट कर सकते हैं। पे पर क्लिक करके हम पेमेंट का भुगतान कर सकेंगे। पेमेंट करने के पश्चात हमें जो लॉगिन ऑप्शन आता है उस पर हमें क्लिक करना होगा। लॉगिन पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने रजिस्टर्ड यूजर्स, यूजर आईडी एंड रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिलेंगे जब हम फीस जमा करा देंगे। उसके पश्चात हमें यह जो मोबाइल नंबर हमने फिल किया है और ईमेल एड्रेस हमने फिल किया है उस पर हमें एक ईमेल जो है प्राप्त होगी, जिसमें हमें यूजर आईडी मिलेगी एंड पासवर्ड मिलेगा। इसके पश्चात सेलेक्ट डिग्री कोर्स एंड लॉगिन पर क्लिक करके हम अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या न हो इसलिए आप इंटरनेट जो ब्राउज़र है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या मोज़िला फायरफॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से RPVT 2022 के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की है। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।